अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र है और मैं फिर से आ गया हूँ दोबारा एक और नए चैप्टर के साथ। तो जो चैप्टर इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था वो था चैप्टर नंबर 2। उसकी वजह ये थी कि हमने जब स्टार्ट की थी इकोनॉमिक्स तो हम चैप्टर 2 को स्किप कर चुके थे और मैं डायरेक्ट 3 पर आ गया था और 4 पर आ गया था। तो अब जो स्किपेबल चैप्टर्स हैं अब हम उसको कवर कर रहे हैं और कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, अपने कंटिन्यू को चेक करते हैं चैप्टर को। जो चैप्टर कवर करवाने वाला हूँ मैं वो है चैप्टर नंबर 5। काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी इसकी बिल्कुल, और थ्योरी ऑफ सप्लाई आपके सामने हाजिर है। तो बस फिर स्टार्ट करते हैं और फिर बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो जो चैप्टर मेरे पास है वो आप लोगों के सामने ही है, अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए ताकि कोऑर्डिनेशन बनी रहे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है वो है हमारे पास मीनिंग ऑफ सप्लाई। तो चैप्टर का नाम तो आप लोगों को पता ही है कि थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी को आप समझ चुके होंगे सप्लाई क्या होती है। अच्छा देखिए, किसी भी चीज़ का जब तक मैं आपको आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज में नहीं बताऊंगा तब तक आपको वो चीज़ कैसे समझ आ सकती है। तो सप्लाई का मतलब होता है फरहामी। फरहामी मीन्स डैट क्या हो सकता है सर? देखिए फरहामी मीन्स कि किसी भी चीज़ की फरहामी की जा रही है आप लोगों को, नॉर्मल कंज्यूमर्स को। अब मतलब फरहामी कोई कर रहा है तो वो कोई यकीनन प्रोड्यूसर कर रहा होगा, तभी तो आप लोगों को चीज़ें मिल रही हैं। आप अपने आप को एक कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो बताता चलूँ कि कंज्यूमर एक वो नॉर्मल सिटीजन होता है जो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा होता है, उस चीज़ का जो कि एक प्रोड्यूसर ने सप्लाई की होती है। अंडरस्टैंड, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए, हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो है वो मीनिंग ऑफ सप्लाई है। थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि सप्लाई होती क्या है, कि हम मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ का सप्लाई कर रहे हैं। और फॉर एग्जांपल मैं सप्लाई कर रहा हूँ बुक्स की, जैसे मैं एक किताब बनाने वाला हूँ, मैं बहुत सारी बल्क के अंदर बुक्स बनाता हूँ। तो अब आप लोग जिस बुक से पढ़ रहे हैं वो मेरी बनाई हुई है, अगर मैं बनाऊंगा नहीं तो अब तक पहुंचने वाली नहीं है। तो अब मैं बनाकर मैं मार्केट में सप्लाई करूंगा और फिर जो मार्केट में रिटेलर या फिर होलसेलर बैठा हुआ है वो आप उससे जाकर परचेज करेंगे, ऐसी है ना। तो बढ़ते हैं, देखिए आपको सप्लाई समझ आया मगर थोड़ा सा है, अभी और आएगा। देखिए अभी हमने स्टार्ट किया, अभी सिर्फ हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया है। अभी देखिए सेकंड टॉपिक हमारे पास है स्टॉक वर्सेस सप्लाई। अब व्हाट इज मीन बाय स्टॉक, स्टॉक क्या होता है? अच्छा देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट कंपेयर करने पे आ गई ये बात। अब देखिएगा क्या मतलब स्टॉक वर्सेस सप्लाई। स्टॉक का मतलब होता है कहीं पर कोई जखीरांदोजी करना, मतलब जमा करना, आसान लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ। और सप्लाई का मतलब होता है फरामी। तो मतलब कि यहाँ क्या दिखाना चाहते हैं कि स्टॉक और सप्लाई, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए स्टॉक हम कोई जगह पर, मिसाल के तौर पर मेरी एक मिसाल ले लें कि मैं अभी किताबें बना रहा था बहुत सारी, मैंने अपने पास बहुत सारी किताबें जमा करी हैं, मैंने बहुत ज़्यादा बनाई तभी तो मैं आपको दूंगा। आप मिसाल के तौर पर मेरी अगर कोई कंपनी नहीं होगी बनाने वाली, अगर मैं एक किताब बनाऊंगा तो मैं आपको देने का फ़ायदा क्या है? मेरे पास तो परचेजर्स बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अमीन खालिद की बुक्स जो हैं मैं प्रिंट आउट करता हूँ, आपको अभी समझ आ जाएगा बिल्कुल और मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये प्रिंट आउट करता हूँ, अब देखिए अमीन खालिद की बुक से पढ़ने वाले कई लाख लोग हैं। अब मैं एक बुक का प्रिंट निकालूंगा या 10 बुक के प्रिंट निकालूंगा तो फिर सारे कंज्यूमर्स तक तो ये बुक्स नहीं पहुंच पाएंगे ना। अब अमीन खालिद साहब खुद से तो अपनी बुक्स के प्रिंट निकालने से रहे, तो वो मुझे कह रहे हैं कि भाई मुज़फ़्फ़र साहब आपने अपने प्रिंटर से इतने ज़्यादा प्रिंट्स निकालने हैं कि आपने पूरी मार्केट को टारगेट करना है। तो देखिए ये मैं सबसे पहले एक स्टॉक करूंगा जमा करके। देखिए मेरे पास एक आइडिया है कि मार्केट मेरी इतनी बड़ी है कि मुझे इस हिसाब से अपनी प्रोडक्शन करनी है, मैंने अपने आगे प्रिंटआउट्स करने हैं, फिर उसके हिसाब से मुझे सप्लाई करनी है। तो ये अभी आपको समझ आएगा, ये आगे हमारे पास लॉ है, लॉ ऑफ सप्लाई। वो क्या होता है? बहुत बेसिक सी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी चीज़ है। एक छोटा सा एक उसका हावनो दे दूँ कि लॉ होता क्या, लॉ ऑफ सप्लाई। अब आप कहीं ये ना समझें कि लॉ का नाम ले लिया सर ने तो कोई डिफिकल्ट चीज़ होने वाली है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉ मीन्स डैट के व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस। ये सर आप क्या इतनी इंग्लिश बोल रहे हैं, वैसी उर्दू समझ नहीं आती, आप इंग्लिश पे ले आए इतनी हैवी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा आसान करके समझाता हूँ। देखिए प्राइस की जहाँ तक बात की जाए, कोई कीमत लग रही है, मिसाल के तौर पे अगर आपको बुक लेनी है, आपके कॉलेज ने आपको कहा है कि आप जाके इकोनॉमिक्स की बुक मार्केट से खरीद के लेकर आएँ अमीन खालिद साहब की। यहाँ मैं कोई पेड एंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूँ उनकी, बस ये मैं किसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अमीन खालिद साहब की आपने बुक लेकर आनी है इकोनॉमिक्स की। अब जब आप मार्केट में जाएंगे तो सबसे पहले आप जाके क्या बोलेंगे, सर हमें अमीन खालिद की बुक चाहिए और कितने की है? क्या कहा मैंने, कितने की है? अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो चलें आप उस चीज़ को नहीं गौर करेंगे कि कितने की है, मगर आपने अगर पूछ लिया है उसके बाद फिर मैं अपने पास, मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 मिनट के लिए कंसिडर करें, मैं एक रीडर हूँ, मैं अपने पास देखूंगा कि मेरे पास अमीन खालिद साहब की कोई बुक है या नहीं है। अगर मेरे पास नहीं होगी तो फिर मेरे पास मीन्स डैट के मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई नहीं हो रही मेरे पास,
और अगर मेरे पास मौजूद हुई तो समझ लीजिएगा कि मार्केट के अंदर उस बुक की ज़्यादा डिमांड नहीं है या फिर मेरे पास उसकी सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है। तो समझ लेना मेरी बात, अभी मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में थोड़ी सी शफलिंग हो रही है चीज़ों की, मगर कॉन्सेप्ट अभी चैप्टर के साथ साथ बिल्कुल कवर होने वाले हैं। आगे अगला टॉपिक जो है हमारे पास वो है रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। प्राइस एंड सप्लाई का रिलेशन अभी मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होगा आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी। वो कैसे हो जाएगी सर, थोड़ी सी एग्जांपल देके समझाएं। जब आप एग्जांपल देते हैं तभी हमें समझ आता है, इसके अलावा हमें समझ नहीं आता। कोई मसला नहीं, एग्जांपल आ गई। एग्जांपल मेरे पास इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल वो ये है कि देखिए, मैंने प्राइस किसी भी चीज़ की, फॉर एग्जांपल आप एक नॉर्मल सिटीजन, आप या फिर आप अपने आप को 5 मिनट के लिए अमीन खालिद साहब समझते हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे आकर कहा कि उज़फ़ा मैं आपको 10 लाख रुपये दूंगा और आपने मार्केट के अंदर मेरे बुक के 1 करोड़ प्रिंटआउट्स प्रोवाइड करने हैं। अब मैं बोलूँगा सर पैसे कम हैं थोड़े, 1 करोड़ के हिसाब से आपको थोड़े पैसे बढ़ाने चाहिए, मतलब कि आप 10 लाख की जगह मुझे आप 25 लाख दे दें तो मैं 1 करोड़ मार्केट में ट्रांसफ़र कर दूँगा, पूरी मार्केट को मैं टारगेट कर लूँगा। तो अब आप जो है सोचेंगे कि भाई क्या किया जाए। देखें अब मैं तो सामने से बोल रहा हूँ, अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे मेरी तो फिर मैं आपकी सप्लाई बढ़ा दूंगा। चलिए मेरे में एक आपसे एक कमिटमेंट कर लेता हूँ, मैं बोलूँगा देखें छोड़ें सब बातें छोड़ें अमीन साहब, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप मुझे 20 लाख रुपये दें और मैं 20 लाख रुपये में मैं 2 करोड़ बुकें मैं आपकी पूरी मार्केट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। चलें डील फाइनल कर दें। तो समझ में आपको क्या आया कि मैंने पैसे बढ़ाने को कहा उनसे, मीन्स डेट कि मुझे जब पैसा मिलेगा ज़्यादा तो मैं मार्केट में सप्लाई को बढ़ाऊंगा। समझ रहे ना मेरी बात। अगर आपको मैंने डिमांड का चैप्टर इससे पहले पढ़ाया है तो उसके अंदर आपको पता होगा व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, ऐसी है। अगर नहीं पढ़ाया तो मैंने यहाँ रिपीट कर दिया है। तो अब समझ में आ गया होगा कि जो सप्लाई है ना वो टोटल इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसका, डिमांड का। मीन्स डेट कि प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, और डिमांड में क्या होता है व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस। आसान था ना। आगे बढ़ते हैं हमारे पास जो है तो रिजर्व प्राइस क्या होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा वो रिजर्व प्राइस का था। तो रिजर्व प्राइस क्या होती है, रिजर्व प्राइस हमारे पास वो प्राइस होती है जिस प्राइस के अंदर अगर जो प्रोड्यूसर है उसकी मतलब उसकी समझ नहीं आ रहा होगा तो वो प्राइस को रिफ्यूज कर देगा। मींस दैट कि फॉर एग्जांपल जिस तरीके से अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर सामने कोई कंज्यूमर मुझे बोले कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा और आपने इतना काम करना है, तो अगर वो उसके पास रिजर्व नहीं हो रहे होंगे या वो उसके काम नहीं कर सकता उसके अंदर, तो वो उसको रिफ्यूज कर देगा, उसको मना कर देगा उस प्राइस पे काम करने के लिए। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी रिजर्व प्राइस की। तो मैं चाह रहा था कि मैं बस थोड़ा शॉर्ट करके अंदर मैं आपको कराऊं और आपको समझ भी आ जाए और आपका नुकसान भी कुछ ऐसा ना हो एज सच। तो आगे अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो मैं अपने बुक के अंदर देख लेता हूँ कुछ। अच्छा देखिए इसके अंदर हमारी इस बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सेस टॉपिक्स भी हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि हमें करने चाहिए मगर ज़्यादा डीप में नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये कोई कॉलेज की क्लास नहीं जिसके अंदर हमें 1.5 घंटा या फिर 2 घंटे मिल रहे हैं, हमें बहुत सिलेक्टिव टाइम के अंदर कवर करना होगा। तो मैं बहुत ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत कम मैं सिखा सकूँ आपको और कम मैं सिखा सकूँ आपको। इसके बाद अगली चीज़ हमारे पास है लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका ज़रा ओवरव्यू दिया था कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस, मीन्स डेट कि हमारे पास जब प्राइस बढ़ रही है किसी भी चीज़ की क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। तो ये अभी आपको मैंने बताया था, ये एक छोटा सा लॉ होता है बस, और इसको मैंने आपको ड्राइव करना भी सिखाया था कि मतलब क्या ड्राइव करना कि किसी कंज्यूमर ने अगर मुझे अच्छी ज़्यादा प्राइस दे दी तो मैं उसकी अपनी जो सप्लाइड है उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कर दूंगा। जिस तरीके से अभी आपको एग्जाम्पल मैंने वो अमीन खालिद साहब की दी थी जो मुझे आके बोल रहे थे कि आप मुझे इतने वो मुझे इतने पैसे देंगे तो आप मेरी सप्लाई जो है बुक्स की वो बढ़ा दें, तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे इतने पैसे दें मैं आपको बढ़ा देता हूँ एक। तो समझ लेना मैं सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, आपको लॉ समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी समझ आ जाएगा। और थोड़ा सा आगे कुछ हम क्वेश्चंस भी करेंगे इसके अंदर, कुछ हमारे पास कैलकुलेशंस भी हैं उसको भी ज़रा देखते हैं। और एक बड़ी अच्छी एक चीज़ मुझे सामने मेरे नज़र आ रही है तो मुझे लगता है कि आपकी बड़ी नॉलेज में इजाफा करने वाली चीज़ है ये। अच्छा देखिए मेरे सामने एक ग्राफ बना हुआ है एक छोटा सा, एक तरफ हमारे पास प्राइजेस गिवन है, दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड गिवन है। जिस तरीके से अच्छा अब देखिए अब यहाँ वक्त आ गया है कि इस लॉ को ज़रा देखा जाए कि ये प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा, ऐसा कोई काम है भी या नहीं है।
तो जरा इसको जरा चेक करते हैं, कुछ वैल्यूज मेरे पास है। देखिए सबसे पहले मेरे पास एक प्राइस है 25 रुपये, और 25 रुपये के ऊपर जो क्वांटिटी सप्लाइड हो रही है वो 2000 क्वांटिटी है, मतलब 2000 यूनिट्स में मार्केट में सप्लाई कर रहा हूँ 25 रुपये के ऊपर। अब देखिए सामने वाले कंज्यूमर ने मेरे पास रेट बढ़ाने की कोशिश करी, उन्होंने कहा चले 25 छोड़े आप 30 लेने चले मुझसे, मतलब थोड़ी सी उसने 5 रुपये बढ़ा दिए, उसने कहा 25 की जगह मैं आपको 30 दूंगा, अब आप कितनी क्वांटिटी सप्लाई करेंगे। तो फिर अब मैंने कहा चले आप मुझे 30 रुपये देंगे ना, तो मैं क्वांटिटी अपनी 3000 कर दूंगा सिर्फ आपके लिए। ये हमारी अभी एक कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर एक डील चल रही है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लॉ ऑफ सप्लाई को, मैं उनको बता नहीं रहा हूँ कि मैं लॉ ऑफ सप्लाई, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर डील करने की कोशिश कर रहे हैं, एक डील चल रही है नॉर्मल सी। अच्छा अब देखिए थोड़ी थोड़ी करके कंज्यूमर जो है वो रेट बढ़ा रहा है अपना, पहले 25 था फिर 30 हुआ, अब कंज्यूमर ने कहा कि मैं आपको 35 रुपये दूंगा, अब आपके क्या विचार है। मैंने कहा देखें काम तो है मुश्किल, आप क्योंकि रेट बढ़ा रहे हैं तो फिर मेरी भी नियत डगमगाएगी थोड़ी सी और मैं भी अपने क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ाऊंगा। तो जनाब आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि देखें किस तरीके से मेरा सामने वाला कंज्यूमर मेरी नियत खराब करने की कोशिश कर रहा है, और किस तरीके से वो रेट बढ़ा रहा है और फिर मुझे भी क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ रहा है। और फिर आखिर में यही होना था कि मेरे सामने वाले कंज्यूमर ने मुझे एक ऐसी ऑफर करी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और उसने मुझे ऑफर कर दी कि देखें उजफा साहब मैं आपको 40 रुपये देने वाला हूँ एक यूनिट, और फिर मुझसे भी गवारा नहीं हुआ। तो मैंने भी कह दिया ये कि मैं भी आपको 40 रुपये के हिसाब से 8000 यूनिट देने वाला हूँ। तो समझ रहे ना मेरी बात को कि प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, मतलब आप समझ रहे मेरी बात कि जितने ज्यादा रेट बढ़ाता गया मेरा सामने वाला कंज्यूमर, मैंने भी उसी तरीके से अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दिया। तो समझ में आ गई होगी आपको लॉ ऑफ सप्लाई कि ये किस तरीके से काम करती है, पूरा लॉ हमने अपने सामने बिल्कुल खोल के रख दिया। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो अच्छी बात है, आप जाके फौरन इंस्टाग्राम पे मुझे रीच करें, वहां पर जाके डिटेल में बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर जो कि है हमारे पास, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो हमारे अगले टॉपिक में मुझे नजर आ रही है वो ये है कि देखिए इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब सब कुछ छोड़ देंगे, मेरी बात सिर्फ थोड़ी सी गौर से सुनिएगा, अगर आपको कुछ समझने की गौर से यहाँ पर है तो सुनिएगा वरना नहीं सुने। देखें मेरे पास दो चीजें हैं, इंक्रीज और डिक्रीज, ये तो आपको पता होगा बढ़ना या फिर कम होना, दो चीजें ठीक है। दूसरे आगे जो एक चीज लिखी हुई एक्सपेंशन, और उससे आगे लिखी हुई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ये क्या होती है जरा सर ये समझा दें। मुझे पता है आप लोग इस चीज में घूमे हुए हैं कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, जिस तरीके से अभी बात हो रही थी ना मेरी, जो मैंने आपको एग्जांपल बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने जो लाकर रखी थी मैंने कि जितना मेरा सप्लाई जो कि जितना मेरा कंज्यूमर मुझे पैसे ऑफर करेगा, जितनी ज्यादा प्राइस देगा, मैं उतनी ज्यादा उसकी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर फैला दूंगा, मतलब मैं उसकी एक्सपेंशन कर दूंगा। एक्सपेंशन उन्हीं सूरतों में होती है जब उसकी क्वांटिटी सप्लाई फैलती है मार्केट के अंदर या किसी भी एरिया के अंदर। तो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है कि आपको मुझे पैसे ज्यादा देने होंगे, और अगर जैसे ही आप पैसे मुझे ज्यादा देंगे मैं आपकी प्रोडक्ट को पूरी मार्केट में फैला दूंगा, इस लेवल की फैलाऊंगा कि आपकी। अब आ जाती है बात सर कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सुकड़ जाना, कम हो जाना। ये वो कैसे हो जाती है, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस, मींस दैट कि आपने मुझे पैसे देने कम किए तो आपके मार्केट भी कम हो जाएगी, मतलब आपने मुझे कम रेट पे कहा तो मैं आपकी प्रोडक्शन ऑब्वियसली बातें कम करूंगा और कम लोगों तक आपकी प्रोडक्ट पहुंचेगी। जो अमीन खालिद साहब जो मुझे बुक दे रहे थे वो बोल रहे हैं कि चले मैं थोड़े से रेट कम करूंगा, मेरा इतना बजट नहीं है। मैं बोलूंगा ठीक है सर मैं आपको इतनी बुक्स बना के दे सकता हूँ, और फिर वो जो महदूद बुक होंगी वो कुछ लिमिटेड कंज्यूमर तक जा पाएंगी, वो हर किसी के पास नहीं जा पाएंगी। तो समझ लेना मेरी बात, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो बस ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का, और इंक्रीज एंड डिक्रीज तो आपको पता ही है क्या होता है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीजेस। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत आसान था, समझ आ गया होगा। अच्छा देखिए आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, कमेंट में प्लीज मुझसे आकर ये मत बोलिएगा कि सर आप हमें बुक वाली एग्जाम्पल नहीं दे रहे। अच्छा देखिए बुक में इतना डीप में लिखा हुआ है, और मुझे पता है यहाँ पर आधे से ज्यादा खवातीनों हजरात ऐसे हैं जो अगर मैं समझाने बैठूंगा ना उन्होंने देखना तो सिर्फ 3 मिनट का है। तो मैं आसान करके छोटा करके समझा रहा हूँ, तो आपको क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो बस रिलैक्स होकर बैठो। और अगर किसी को ज्यादा आता है तो मुझे कमेंट में जरूर सिखाइएगा,
इस बुक के हवाले से। तो बस फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी क्या होती है? आज से पहले कभी अगर आपने इलास्टिक का नाम सुना है तो बिल्कुल आपने सही सुना है, मैं भी उसी फेज से गुजरता हुआ आया हूँ और मैंने भी सुना है। तो अब जरा मैं समझाता हूँ कि इलास्टिक और इलास्टिसिटी में फ़र्क क्या होता है। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं होता, मैं आपको सिर्फ घुमाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा। इलास्टिसिटी वो होती है कि किसी भी चीज़ का ऐसा खिंचाव मार्केट के अंदर या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। तीनों फेसेस अभी बताने वाला हूँ,